Hi Aries and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया it really means a lot Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मैंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस एरीज. एरीज ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, जून मंथ की आखिरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वीडियो. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बींग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ जून 2024, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ओके लेट्स कट द डेक. Mutual energies between both of you. This Knight of Wands. Current energies of your person is Temper. Intention of your person is Queen of Cups. Okay. Future action of your person is Knight of Cups. Okay. बहुत बड़े हैं ये cards. Your energy is Page of Cups. And थोड़ा ऐसे कर लेते हैं. हाँ जी. सेट कर लेती हूँ बाद में. ओके एंड फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज चैरियट. बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ कॉइंस. नाइस. ओके आई होप द कार्ड्स आर विजिबल. ठीक है, जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन इज कैंसर. एरीज, एरीज, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. ओके एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी नाइस है, वेरी नाइस डेक. लाइक मैं ये अभी डेक ये फर्स्ट टाइम मैंने ओपन किया है. उसकी एनर्जीज क्लेंस करके मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ. ओके ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एरीज. ओके टाइमलाइन मैं बता देती हूँ. आप मान के चलिए 7 to 10 days के अंदर अंदर, 7 to 10 days के अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. ओके हाँ जी. बहुत इमोशंस हैं आप दोनों के बीच में. बहुत पैशन है, बहुत इमोशन है. एंड लेट्स गेट स्टार्ट विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों एक दूसरे से बहुत गुस्से में हो, बहुत नाराज हो. बहुत गुस्सा है, बहुत एंगर है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है आप दोनों के बीच में. आपका पर्सन ये सोच रहा है एरीज की, एरीज की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस मैंने बोला तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है. ओके एरीज की वजह से इश्यूज क्रिएट हुए हैं. एरीज आप इस पर्सन पे ब्लेम कर रहे हो. कहीं ना कहीं गुस्से के वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ. ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी आप दोनों के बीच में. कोई बहुत एक छोटी स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिस वजह से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ. बट द थिंग इज दैट आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल है. यू गाइज आर रियली 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 अट्रैक्टेड टू ईच अदर. बट कहीं ना कहीं गुस्से में आके आप लोग एक दूसरे को चीज़ें बोल देते हो जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ना एक ये भी चीज मुझे दिख रही है विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कि आप दोनों एक दूसरे से ज्यादा टाइम नाराज नहीं रह सकते हो. एरीज आप लोग नाराज हो जाते हो, फिर उसके लिए 7-8 दिन में या 10-15 दिन में नाराजगी खत्म हो जाती है और फिर वापस से आप लोग रिलेशनशिप में वापस से बातचीत करने लग जाते हो. देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिससे हम लोग मतलब वी कांट स्टे एंग्री विथ ईच अदर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो मुझे वैसा किस्म की एनर्जी दिख रही है. या ओके एरीज डोंट वरी, दिस पर्सन, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है. टेलिंग यू दे रियली लव यू अ लॉट. इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी है एंड फ्यूचर तो मुझे बहुत ही सुपर्ब दिख रहा है. ओके द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन द एम्परर. देखो गुस्से में है, बहुत गुस्से में. वन मोर, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये गुस्से में है. बट देखो ये एम्परर हाथ बढ़ा रहा है आपके पास. कहीं ना कहीं मुझे ये ना ये पर्सन आपको एक बहुत, आपको ये पर्सन ऐसा समझता है कि आप एक अच्छे फादर बनोगे, आप एक अच्छे मदर बनोगे. कहीं ना कहीं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत वैल्यू करते हैं. उन्हें पता है कि एरीज इज द वन फॉर मी. एरीज मुझे बहुत खुश रखता है. एरीज मेरे हिसाब से जिस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो
रिलेशनशिप को चलाने की, आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो या आप इनसे पूछते हो आपने खाना खाया कि नहीं, आपने ये किया कि नहीं, आपने वो, आप जिस जिस तरीके की आप इनकी केयर करते हो ना, एरीज इन्हें बहुत पसंद है। करंट एनर्जीज में थोड़ी नाराजगी है, बट ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर रिलेशनशिप कनेक्शन सोचते हैं। ये आपको बहुत ही एक सीरियस रिलेशनशिप की तरह सोचते हैं। लाइक दे डोंट, मतलब ये पर्सन टाइम पास तो नहीं कर रहा आपके साथ एरीज, ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं, बहुत चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचते हैं। ये पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहे हैं 7 to 10 days के अंदर। ओके, इंटेंशन, सी द एम्परर विद क्वीन ऑफ कप्स। इंटेंशन, या ये प्यार करते हैं। अगर इन्होंने अभी तक इजहार नहीं किया ना, अभी तक बताया नहीं ना, आने वाले 4 to 7 weeks के अंदर ये पर्सन आपको इजहार करने वाले हैं। They really love you. They really love you. जैसे like I said, जैसे आप इनकी केयर करते हो, जैसे ये लड़की, ये औरत वो कॉफी दे रही है, लाइक तो जैसे आप केयर करते हो इनकी, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी, जैसे आप इनकी केयर करते हो, उन्हें बहुत पसंद है द वे यू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन। एंड इंटेंशन में इनका कहीं ना कहीं इंट्यूशन, कहीं ना कहीं दिल आपसे जुड़ रहा है। इंटेंशन में दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट, दे वॉन्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मेमरीज विथ यू। आपको ये ना, मुझे ये भी दिख रहा है, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। जब भी आप स्माइल करते हो, जब भी आप खुश रहते हो, इन्हें खुशी मिल जाती है। अगर इनका बैड डे रहता है, जब ये आपकी बड़बड़ सुनते हैं या आपकी आपकी कोई अच्छी खबर सुनते हैं, इनका मूड अच्छा हो जाता है। सो आई एम सीइंग दैट आपकी बड़ी अपलिफ्टिंग एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है एरीज, जिस वजह से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हो रहा है और अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपसे, प्यार में गिर रहे हैं आपसे। दे आर फॉलिंग इन लव विथ यू। एग्जैक्टली, फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज नाइट ऑफ कप्स। दिस पर्सन, अगर आप लोग डेटिंग फेज में हो, दूसरे को जान रहे हो, ये पर्सन आपको प्रपोज करते हुए दिख रहा है। 6 to 7 weeks के अंदर ये प्रपोज कर रहे हैं। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में जैसे गिटार बजा रहे हो, यहाँ पे आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग का रोमांस बढ़ रहा है, रोमांटिक हो रहे हैं ये पर्सन, ये व्यक्ति आपके, बहुत रोमांस, बहुत, ये शायद आपके लिए गाना गाते हुए दिख रहे हैं, गिटार बजाते हुए दिख रहे हैं, एंड या किसी ऐसे रोमांटिक डिनर पे या डेट पे ले जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक होगा, अच्छा अच्छा खाना होगा, आप लोग बहुत डेट्स पे जाते हुए दिख रहे। ओवरऑल आई एम सीइंग दैट ये पर्सन आपसे इमोशनली क्लोज आएंगे, आपके साथ एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। आई एम सीइंग अ कमिटमेंट, जो भी है ना, ये पर्सन आपके लिए दिल से फील करता है एरीज, दे रियली लव यू। इनकी फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ती जा रही है। टेम्परेरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये टेम्परेरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात हो जाएगी। एंड जैसे ये पर्सन इस लड़की को ऐसे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, दे रियली लाइक योर ब्यूटी, जैसे आप दिखते हो यार, ओवरऑल ये पर्सन आपसे प्यार में गिर रहे हैं, आपको अपना दिल दे बैठे हैं। क्लेम कर दो ये रीडिंग, योर एनर्जी एरीज पेज ऑफ कप्स। अरे आप तो बहुत पसंद करते हो, आई लव यू लिखा हुआ है यहाँ पे। वही ना, आप जैसे केयर करते हो उनको, वही ना, आपकी एनर्जी वही दिख रही मुझे, एकदम चाइल्ड लाइक एनर्जी है। आप एकदम इंथुजियाज्म से, एकदम एनर्जी के साथ इस पर्सन की लाइफ में आए हो, एनर्जी से चीजें बताते हो आप, मतलब एकदम वैसे एनर्जेटिक बच्चे हो, पेज एक बच्चा ही होता है। तो जिस तरह से आप अपनी एनर्जी बताते हो, जैसे आप बताते हो कि मेरा दिन कैसा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उन्हें आपके एनर्जी लेवल्स बहुत पसंद है। दे फील दैट यू आर समवन हु इज वेरी प्योर बाय हार्ट, आपका दिल बहुत साफ है, आपका दिल बहुत जेन्युइन है, और ये आपकी अच्छाइयां, ये पर्सन आपकी जो अच्छाई है उसको ये बहुत मानते हैं। दे रियली लाइक योर प्रेजेंस। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके शायद खुद के बच्चे हो सकते हैं, इस पर्सन के भी बच्चे हो सकते हैं, लाइक यू गाइज कैन बी विडो और स्पिनस्टर। ये एक एनर्जी आ रही है मुझे, दे रियली लाइक यू। और अगर आपके बच्चे हैं बाय एनी चांस, तो दे रियली लव योर किड्स एज वेल, दिस पर्सन रियली लव योर किड्स। And you like this person, you like this person. आप कोई ऐसे नहीं हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए या फ्यूचर के बारे में सोचो, नो, बट यू लाइक दिस पर्सन। आपको इस पर्सन से बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है एरीज। गुड लक, आपकी एनर्जी बहुत फैंटास्टिक है, दिल की सुनो, ऐसे ही रहो, किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं। ऐसे ना प्योर एनर्जेटिक लोग बहुत कम बचे इस दुनिया में, लोग बहुत मेंटली चलते हैं, बहुत कैलकुलेटेड मूव्स करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। और जो प्योर लोग होते हैं ना एरीज, एंजल्स उन्हें, यूनिवर्स उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग लगाओ, ऑफ कोर्स। मेरी दूसरी रीडिंग्स देखो, स्कॉर्पियो के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वीडियो देखना जो मैंने लास्ट अपलोड की थी, वहाँ जरूरत है। बट जहाँ पे आपको अच्छा फील हो रहा है, वहाँ अपने अपने दिल की सुनो एरीज। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, आई एम टेलिंग यू, यू गाइज आर कमिंग इन टू अ कमिटेड रिलेशनशिप, कमिटमेंट, आई एम टेलिंग यू। 6 to 7 weeks के अंदर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो।
चैरियट रिप्रेजेंट्स कमिटमेंट. चैरियट मेरे हिसाब से आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो पब्लिक होगा, सबको पता होगा, फैमिलीज को पता होगा, फ्रेंड्स को पता होगा, समाज में पता होगा कि हाँ आप दोनों रिलेशनशिप में हो. ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों का कनेक्शन डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है. रीज क्लेम कर दो ये रीडिंग, क्लेम लिखो कॉमेंट सेक्शन में. कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों, मुझे दिख रहा है आप दोनों काम से रिलेटेड एक साथ ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो. शायद मुंबई में ही आप, मुंबई या दिल्ली में ही आप लोग का एक साथ काम होगा, तो आप लोग एक साथ उसी सिटी में जाते हुए दिख रहे हो. ये एक ऑफिस रोमांस भी हो सकता है बाय द वे. आप लोग एक ही ऑफिस में है, एक ही शायद आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हो, या मतलब एक ही लाइन ऑफ प्रोफेशन दिख रहा है मुझे आप लोग का. चैरियट इन लव लाइफ, चैरियट वैसे भी बहुत कम आता है मेरी लव लाइफ रीडिंग्स में, तो चैरियट रिप्रेजेंट्स कमिटमेंट. और ये भी दिख रहा है कि आप लोग की मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़ते हुए दिख रही है. ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स नहीं आए, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी नहीं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होते हुए दिख रही है एक दूसरे के लिए. आप लोग एक दूसरे को बहुत स्ट्रेंथ दोगे, मोटिवेट करोगे, बहुत प्यार होगा. ये बहुत ही प्यारा लविंग केयरिंग रिलेशनशिप दिख रहा है, एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. एरीज क्लेम कर दो ये रीडिंग यार. एरियज और बाकी कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.